नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स, ग्लैमर और बिजनेस का कॉकटेल बनाने वाले मैनेजर अमर सिंह बहुत जल्दी चले गए। उन्हें किडनी की बीमारी थी, ट्रांसप्लांट हुआ था, इलाज चलता रहता था। पिछले 6 महीने से सिंगापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था और अल्टीमेटली उनका निधन हो गया। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन परिवार से उनकी बहुत नज़दीकी थी। नज़दीकी तो उनको उनकी बहुत सारे परिवारों से थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ती की बात ही कुछ अलग थी। जब अमिताभ बच्चन सबसे संकट के समय में थे, दिवालिया होने के कगार पे थे, तब उन्होंने अमर सिंह ने सहारा की मदद लेकर के, जिसके चेयरमैन सुब्रत राय सहारा हैं, अमिताभ बच्चन को बचाया था। तभी से ये दोस्ती और प्रगाढ़ हो चली थी। लेकिन 2012 में एक छोटे से वाक़े ने दोनों परिवारों के बीच में अलगाव कर दिया। अनिल अंबानी के घर पे कोई दावत थी, उस दावत में बिग बी फैमिली भी थी और अमर सिंह भी। उसी में अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन से किसी बात को लेकर बहस हो गई। उसमें अमिताभ ने अपनी पत्नी का साथ दिया और ये बात अमर सिंह को बुरी लग गई। लगभग जो है 8 से 10 साल दोनों में अलगाव रहा। लेकिन इस साल 18 फरवरी को जब अमर सिंह के पिता के निधन पर बिग बी ने मैसेज भेजा, तो अमर सिंह भावुक हो गए। शायद उन्हें अपने अंतिम समय का एहसास हो गया था। उन्होंने उस अस्पताल से ही एक वीडियो जारी किया था और अमिताभ बच्चन से और उनके परिवार से माफ़ी मांगी थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या पहले वो वीडियो सुन लीजिए। पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न सिर्फ अलग रहा, बल्कि यह भी प्रयत्न किया उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो। लेकिन आज अमिताभ बच्चन जी ने फिर मेरे पिताजी का सुमिरन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इसी सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अमित जी लगभग 2 महीने तक साथ रहे, और उसके बाद हमारा उनका साथ छूट सा गया। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई और वो लगातार अनेक अवसरों पर, चाहे मेरा जन्म दिवस हो अथवा मेरे पिताजी के स्वर्गवास का दिन हो, हर दिन को स्मरण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अनावश्यक रूप से ज्यादा उग्रता दिखाई। 60 से ऊपर जीवन की संध्या होती है और एक बार फिर मैं जिंदगी और मौत की चुनौती के बीच से गुजर रहा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं, तो इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी, और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कटुता और नफरत से ज्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही। लेकिन उनके मन में लगता है ना तो निराशा है ना तो कटता है, बल्कि कोई ना कोई भाव है। इसलिए आज अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए, जो 17 सुमन उन्होंने उनके आदर में व्यक्त किए हैं, उसका संप्रेषण करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सबको ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार यथोचित न्याय दे, और ये हमें ये सब ईश्वर को छोड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम ईश्वर के कामकाज में खुद दखल दें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपके संदेश का। तो क्या अमर सिंह को अपनी मौत का एहसास हो गया था? क्योंकि कहते ये हैं कि अंतिम समय में
पूरी लाइफ जो है रील की तरह सामने घूमने लगती है और यह एहसास हो जाता है कि हमने क्या गलत किया क्या सही किया है। संभवतः अमर सिंह को भी एहसास हो गया था कि ये उनका अंतिम समय है या मौत आने वाली है और वो बिग बी अमिताभ बच्चन को भुला नहीं पाए। उनकी सदाशयता को या हर साल भेजे जाने वाले मैसेज से वो अभिभूत हो गए, भावुक हो गए और उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।